आज ना छुट्टी का दिन है और यहाँ पर ऐसा कुछ सीन चल रहा है। इनफैक्ट मेरे को बस भी नहीं मिल रही यहाँ से, ये सारा रोड ब्लॉक है। इस जगह से मेरे को जाना होता है यहाँ पे, आई गेस इनका एग्जैक्ट डे ना, उसके चक्कर में सब बंद कर रखा है। बैठे बैठे फोटोज ले रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं। आज वैसे छुट्टी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर, तो उसके चक्कर में सब बंद कर रखा है। ऑफिशियल हॉलीडे यहाँ पर। मस्त एरिया है। प्रेप कर रहे हैं क्या परेड का? सही है, चल आउट अपना बना रखा है इन लोगों ने हिसाब किताब मस्ती करने का। सही है सब। पुलिस वाला आ रहा था इसलिए मैं लेफ्ट में कर दिया। वैसे आई डोंट नो, मे बी कर सकते हैं इनको रिकॉर्ड नहीं, इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ पुलिस वालों को रिकॉर्ड करना। ये मेरा डेली का रूट है जिससे मैं आता जाता हूँ। एक और है एक्चुअल में, ये जो स्टेडियम दिख रहा है इसके पीछे से भी एक रास्ता जाता है मेरे घर के लिए। तो डिपेंड करता है कि मेरे टाइम क्या हो रहा है ऑफिस का, उसके हिसाब से बस कहाँ से मिलेगी। अगर इस रूट वाली बस मिल जाती है तो मैं इस रूट से आ जाता हूँ। और मतलब एक ये मान लो कि लेफ्ट की जगह राइट जाना होता मेरे को बस ऑफिस से, दैट्स इट। बस स्टॉप पास नहीं है, वहाँ से मिल जाती है। सब अपने घर घर से चेयर ला ला के यहाँ पे मस्त इन लोगों ने रख लिए, और अब ये जो भी इनका परेड होना होगा उस हिसाब से चीज़ें करेंगे। थोड़ा जल्दी होता तो मैं भी देख लेता, लेकिन मैं जा रहा हूँ आज छुट्टी के दिन ऑफिस, क्योंकि कुत्तों का कोई संडे नहीं होता। कुत्ते सातों दिन कुत्ते ही होते हैं, जिन्हें मैनेजर ना साला कभी भी लात मार के जगा सकता है। मेरे ऑफिस से घर या घर से ऑफिस मेरे को आधा घंटा लगता है वॉक करके आने में। वैसे मैं पहली बार है जब मैं शायद वॉक करके जा रहा हूँ ऑफिस, ऑप्शन है ही नहीं ना, क्योंकि अभी मेरे को जहाँ से बस मिलनी होती थी वहाँ से मिल नहीं रही है। और मैं जहाँ तक बस में जाता हूँ वहाँ तक वैसे ही रोड ब्लॉक है, उसके बाद में मेरे को थोड़ा बहुत वॉक करना ही पड़ता है संभालो। तो ये इसलिए मैं सोचा वॉक ही कर लूँ प्रॉपर। ये बिल्डिंग बहुत टाइम से बन रही है, 3 महीने हुए मेरे को आए हुए देखते हुए, बट ये बन रही है। ये चाचा के मेडल देखो, आर्मी में सर्व किया होगा, इसने भी लगा रखे बहुत सारे, 4-5 तो थे शायद। चलो सीन चेंज करते हैं। ओके, आज मैं निकलने में अभी लेट हो गया, आज 7 बज रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे छुट्टी थी उसके चक्कर में वैसे ही काफ़ी सारे ऑफिस बंद थे, इनफैक्ट पूरा सिटी बंद था। और इस टाइम पे तुम लोग देख सकते हो खाली पड़ाई है। ऐसे खाली हो जाता है सिटी,
इनफैक्ट बाकी के दिनों में भी ऐसे होता कि 6:30-7 बजे से बजते सारे लोग ऑलमोस्ट पार हो जाते हैं सिटी से। उसके बाद ये CBD ऐसा शांत सा हो जाता है। पहले जब मैं ह्यूम्स में रहता था ना, तब भी ऐसे ही सीन था। घर जाते जाते, क्योंकि मेरी छुट्टी यहाँ पर होती थी वही 6 बजे के आसपास, और 6:15 के आसपास तो वैसे बज जाते थे निकलने में। वॉक करके जाता था, 6:30-7 तक घर पहुँचता था। और अभी मैंने घर दूर ले लिया है, ले क्या लिया है, मतलब घर दूर मिला है, उसके चक्कर में मेरे को जाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। बस से जाना पड़ता है, मेरे को साइकिल लेनी पड़ेगी यार। यहाँ पर टाइम पे घर पहुँचना है अगर 10-15 मिनट के अंदर अंदर। बस में तो मेरे को, बस की जर्नी में ही मेरे को 15-20 मिनट लग जाते हैं। उसके अलावा फिर मेरे को बस का वेट करना पड़ता है, किस रूट पर मिलेगी कौन सी बस, उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से, पास में ही है, लेकिन बस यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से गाड़ियाँ चलती है तो उसमें टाइम लगता है। ये इंडिया में होता ना, मैं तो मुश्किल से 5 मिनट की गेम है। 5 मिनट में कैसे भी बंदा पहुँच जाए, लेफ्ट राइट करता हुआ, फुटपाथ पे चढ़ा के बाइक निकाल दे। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर चलना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे रूल है कि ये जैसे ग्रीन लाइन दिख रही है छोटी पट्टी, ये साइकिल वालों के लिए, और उसके बीच में जो आगे वाली लाइन है उस पर बंदा, अगर कार वाला चल रहा है और बाइक वाला चल रहा है ना, उन लोगों को सेम लाइन में रहना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है कि बाइक वाला लेफ्ट राइट करके ले जाएगा या कार वाला उसके बगल में से निकाल के ले जाएगा, ऐसे नहीं होता। उसको प्रॉपर वे देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा उसको जाने के लिए। ये मस्त है ना, ये गाड़ी जीप जैसी लग रही है, अपने बोलेरो का छोटा वर्जन। गाने वाने कॉन्सर्ट चल रहा है। सेकेंड है, मैं तो देख लू मेरा ब्लर हो 17। मैं इधर जाता हूँ क्योंकि मेरे को फिर सही रहेगा उधर से ही निकलने में, क्योंकि मेरे को बस आगे से भी मिलेगी तो कोई पंगा नहीं रहेगा। अच्छा, मैं इधर आ गया। वैसे बस पीछे से भी मिलती है, बट फिर पंगा वही है कि आगे तो रुकती है वो बस, आगे वाली चौराहे पे, इसलिए मैं उधर ही जा रहा हूँ। ये देख लो, इतना बड़ा शहर है और ये खाली पड़ा है इस टाइम। मैं ये वॉक थ्रू दे रहा हूँ ताकि एक सिटी का ग्लिम्स मिले तुम्हें। ये वॉक थ्रू दिए हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैं वॉक थ्रू दे रहा हूँ। यहाँ पर लोग है ना कम नहीं है, लोग यहाँ पे भी ना साले मूड देते हैं इधर दीवारों पे खड़े होकर के, बड़ी ऐसी रोड पे, बताओ अपने यहाँ पर लोग करते हैं हरकतें। ये देखो गंदा फैला रखा है, अपने वहाँ लोग करते हैं, लेकिन आई गेस ऐसी लोकेशंस पे तो नहीं करते, इतना अच्छे दिखने वाली है ऐसा। वहाँ तो चलो हर जगह ही कर देता है। Thank you.
जाते हुए भी वॉक करके जाने का मेरा मन था, बट है ना मैं लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, इसलिए फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब बस में जाएगा यार। ये बस में मज़ा आ रहा है।